यादों का एक झोंका आया हमसे मिलने बरसों बाद। पहले इतना नहीं रोए थे जितना रोए बरसों बाद। कौम की बेटी और मुल्क की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार को हमसे बिछड़े एक बरस बीत गया। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तार आज भी अहले वतन के दिलों में जिंदा हैं। मरियम मुख्तार 18 मई 1992 को कराची में पैदा हुई। मरियम के वालिद कर्नल रिटायर मुख्तार अहमद शेख पाक फौज में शामिल थे। मरियम मुख्तार ने 6 मई 2011 में पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया और 24 सितंबर 2014 को एयरफोर्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मरियम मुख्तार 132वीं जीडी पायलट कोर्स में शरीक थी। मरियम मुख्तार ने पीएफ एकेडमी रिसालपुर में फाइटर जेट पायलट की तरबियत ली। मरियम अफवाज पाकिस्तान के नज्म व जब्त से बहुत मुतासर थी। मरियम कहती थी कि मुझे फौज की वर्दी बहुत मुतासर करती थी, इसलिए मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मामूल के कामों से कुछ हटकर हो। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार गुज़श्ता साल 24 नवंबर को अपने इंस्ट्रक्टर साकिब अब्बासी के साथ मामूल की तरबीती परवाज पर थी जब मियांवाली के करीब उनका तैयारा तकनीकी खराबी की बाइस गिरकर तबाह हो गया और मरियम मुख्तार हादसे में जख्मों की ताब ना लाते हुए जहान फानी से कूच कर गईं और जामे शहादत नोश फरमाया। मरियम को ये एहसास भी हासिल है कि आप दौरान ड्यूटी शहीद होने वाली पाक फिजाइया की पहली फाइटर पायलट है। मरियम मुख्तार को तमगे बसालत से भी नवाजा गया। मरियम मुख्तार कौम की वो बेटी है जिसने वतन की मिट्टी की खातिर जान देकर रहती दुनिया के लिए मिसाल कायम की। मरियम मुख्तार और उनकी लाजवाल कुर्बानियां हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। सभी इस्लाम उर्दू बुलेटिन कराची।